हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज है महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि की आप सबको शुभकामनाएं। ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले सबको गुड मॉर्निंग गाजीपुर एंड गुड मॉर्निंग इंडिया। बहुत दिनों बाद गोप्रो से शुरू कर रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता था। गाइस, बैंक की जो लाइफ है ना, बहुत ज्यादा हेक्टिक लाइफ है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से कोई एक स्पेशल जगह। तो दोस्तों, रिक्शा भी आ चुकी है और देखो इसका लुक। तो गाइस, जो मैंने पिछले बार जो मैंने टी शर्ट खरीदी ना, वो थी हरे कृष्णा वाली, तो मैं नहीं पहन पाया। और आपको पता है जन्माष्टमी नहीं है, आज है शिवरात्रि। तो क्या हो गया, मंदिर तो मंदिर है ना। शिवरात्रि में रिक्शा लग रही है एकदम मस्त। येलो तो येलो कलर बहुत सूट कर रहा है। एक किलो पाउडर भी सूट कर रहा है जो कि चेहरे पे लगाया है ना। गाइस, हैप्पी शिवरात्रि। कहां जा रहे हो? हैप्पी महाशिवरात्रि। हां, हम लोग जा रहे हैं मंदिर। अब पता नहीं, बड़ा महादेव में बहुत भीड़ होगी तो किसी दूसरे मंदिर में जाएंगे। तो तुम्हारी पूजा की थाली कहां है? वहीं से लेंगे ना। तो गाइस, आप लोग कैसे सेलिब्रेट करना जरूर बताना। तो इस बार ना दीक्षा ना होली की शॉपिंग कर रही थी, तो मैंने बोला कि मम्मी को भी इस बार अनारकली वाला सूट पहनाना। कलर चेंज करेगी? तो मैंने नहीं, मम्मी अनारकली वाला सूट पहनेगी। पहले मैंने बोला मम्मी के लिए खरीदेंगे, फिर आपने बोला सारा क्रेडिट खुद मत ले लो। लड़कियों का ना बहुत ज्यादा वो रहता है कि तंत्रम तंत्रम वो तो हस्ती का। तुम कहाँ रहती हो? तुम कहाँ रहती हो? पांचवे दिन तो ये खाते हैं। वाह, सिर अच्छे लग रहे हैं। कड़क से मीठा है। हाँ, देखो। वैसे शिवरात्रि है व्रत आपका? नहीं, मेरा तो व्रत नहीं। ओम नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, हैप्पी शिवरात्रि सबको। मेले टी शर्ट खरीदी सर वाली, हरे कृष्णा वाली। और अभी वो बैग पहने ले गई है। रुको, कौन सा? गाइस, पहुंचने वाले हैं बड़ा महादेव मंदिर। आज ना यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक भीड़ है, तो आपको दिखाता हूँ सामने कैसा दिखता है। गाइस देखो, ना जूते यहाँ रख दिए हैं, आप देखो तो चोरी होते हैं। इतना भक्त भी आया ना यहाँ पे। गाइस, अभी दीक्षा अंदर गई है, अभी तक नहीं आ पाई, पता नहीं कहाँ रह गई है। ठीक है, हर महादेव। गालियाँ कहाँ से लगाए मुझको बताने? अंदर से, अंदर से वो क्या होता है? गाइस, फाइनली मैंने भी टीका लगा लिया है और देखो मस्त लग रहा है। दीक्षा ने भी लगा लिया टीका, तो गाइस अब अच्छा लग रहा है, लग रहा है एकदम भोले के भक्त। चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है। मैं तो 10 दिन खाना ना खाऊं तब भी चक्कर ना आए मुझे। देखो तुम भैया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपका व्रत है भैया, हर हर महादेव। हम लोग महादेव की नगरी में है सर। हाँ। अनुराग सर भी भोले भक्त हैं। बिल्कुल पक्के वाले। मैं और अनुराग सर बहुत पक्के वाले भोले भक्त है ना। खाते पीते में बहुत ध्यान है इनका। मेरा भी व्रत है आज। इन्होंने पहली बार सुबह से कुछ नहीं खाया है। मेरा भी व्रत है। अब मंदिर से जाने के बाद खाएंगे, बट ये कह रहे थे कि वो शाम को ही खाओगे। शांति मिल रही है ना पी के? बहुत। गाइस, हमने एक पी लिया है, एक एक अंडा एक और पी रहे। गाइस अभी ना इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा कि कौन पहले पीता है। सर अभी स्टार्ट नहीं करोगे आप? वन करो, वन टू थ्री। खा रहे हैं।
सर सर एकदम पहले दिख रहे हैं, देखो मैं ना पीरी भैया हो गया या तो उसमें कम था। अरे यार थोड़ा सा इसमें सर अभी तक खत्म ना हो पाए। गाइस आज हम लोग जा रहे हैं नंद रेजिडेंसी क्योंकि उन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया है। ये भी बोल रहे थे कि मंदिर से आऊंगा उसके बाद ही खाऊंगा। मेरा तो व्रत है बट इनका खाना भी जरूरी है ना। मंदिर के दर्शन मेन थे, दर्शन हो गए और वहाँ पे जल वल चढ़ा के मतलब बहुत ज्यादा शांति मिल रही है गाइस। गाइज मैं पिछले बार आया था तो यहाँ पे एक्चुअली शादी थी तो उस समय हम खा नहीं पाए थे, तो आज हम खाएंगे यहाँ पे। बहुत दिनों से मन था कि नंद रेजिडेंस में खाया जाए। तो गाइस फ्रूट पंच आ गया, देखो ये पी रहे हैं। तो गाइस अभी देखो इन भक्कड़ों का यहाँ पनीर आया है, बटर वाली रोटी खाई जा रही है। इधर देखो शर्म नहीं आ रही? क्यों शर्म, किस बात की आएगी? तुम लोग की गलती है, तुमने व्रत रखा है। पति वहाँ पे व्रत में, और ये देखो करवा चौथ वो भी खाते हैं। करवा चौथ में हमने साथ में खाया था ना दिन में। बोल के बंद हो गई देखो। और आप बताओ आप क्या, तो करवा चौथ भी नहीं है बोलने का। ये देखो और मुझसे क्या कह रहा, प्याज जरा डालना इसमें। और टीका सुना था सही, मुझसे क्या कह रहा साइड में प्याज जरा डालना मेरी प्लेट में। मैं तो मैं नहीं डाल रही, खुद डालो। देखो इनके राइस भी आ गए हैं। गाइस ये देख रहे हो आप लोग हमारे साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है। यहाँ का सबसे फेमस होटल है ये नंद रेजिडेंसी, जहाँ की जहाँ बैठ के लोग खा रहे हैं। खैर अल्लाह सर बताओ कुछ बोलो इनको। हाँ कल खा लीजिए। हाँ देखे अभी टिंकर बोल रही थी कि भैया हम तो भूखी ना लगी है। वो बेचारी पता कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है सर के लिए, बट ये है ना। हाँ दे तो गाइस जी ना पैक करवा लिया था, थोड़ा खाना बच गया था इसीलिए यहाँ पे। गाइस ये देखिए जीआई प्रोडक्ट ऑफ गाजीपुर, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट ऑफ गाजीपुर। जब भी हमारा कोई आता है तो ये इसी को देते हैं गिफ्ट में। हाँ ये यहाँ का मतलब वो है जूट हैंगिंग है। तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर पे, और ना आज का प्रोग्राम बहुत मस्त था। दीक्षा की जो प्लानिंग रहती है ना बहुत ही अमेजिंग रहती है। दीक्षा ने बोला था कि आज हम बड़ा महादेव जाएंगे और फाइनली हमारी प्लानिंग कंप्लीट हो गई। और गाइज क्या मतलब दिल को शांति मिलती है और पेट की शांति तो मिली गई। बट बहुत मज़ा आया गाइज। मतलब दीक्षा का मतलब डिसीजन सही था, मेरा मन नहीं था। एक बात मैं सोचा कि अरे यार कौन, मतलब आलस टाइप का आ रहा था, बट मैं दीक्षा ने मुझको मोटिवेट किया, तो थैंक यू दिक्कू। और आज हम शिवरात्रि के दिन बड़ा महादेव से आ गए गाइस। गाइस फिर से हर हर महादेव। गाइस अभी घर पहुंच गया है। ब्रूनो तो बहुत ही बहुत प्यार आ रहा है ब्रूनो को, तो अभी सबसे बड़ा काम कर लेती हूँ। बाहर पता है कपड़े थे नीचे, इतने बंदर है पता नहीं क्या क्या होगा। देखो 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 ये भी प्यार कर रहा है। देखो यार नहीं बंदर इधर साइड नहीं आया, शायद बंदर आए तो है उधर उधर घूम रहे हैं, इधर नहीं आया लग रहा है। तो दोस्तों बहुत थकान हो चुकी है और आज का दिन बहुत मस्त था क्योंकि आज भोले का दिन था। तो गाइस जल्दी कपड़े वपड़े हमने चेंज कर लिए हैं, अब खाना बनाते हैं फिर सो जाते हैं और मिलते हैं आपको सुबह उसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव।